अच्छा बिफोर वी प्रोग्रेस में थोड़े डिस्क्लेमर्स दे देता हूँ, यहाँ पे कोई फैमिली के साथ आया क्या? मम्मी पापा है, कोई कॉम्बिनेशन में आया हुआ है? कोई आया हुआ है तो अभी ऑप्शन दे रहा हूँ, अलग अलग बैठना है तो बैठ जाओ। है कोई? पापा और तू, बेटा और पापा, तू लाया पापा को? अंकल देख लो, अलग अलग बैठना तो बैठ जाओ। नहीं नहीं आप तो एंजॉय करोगे, वो नहीं कर पाएगा बेचारा। आप तो एंजॉय करते ही हो, वो एंजॉयमेंट का तो प्रोडक्ट लेके घूम रहे हो आप। मैं बता रहा हूँ, बट आपने देखा आजकल इंडिया में लोगों में गुस्सा बहुत है यार। लोग पब्लिक प्लेस में सामने वाले को कुछ भी बोल देते हैं। भाई मेरा ऑटो वाले से झगड़ा, ऑटो वाले ये सब बोल रहा है मेरे को, साले तू है कौन? तेरे जसों के मुंह पे मैं थूकू भी नहीं। अब ऐसा यार, मैंने ऐसी को रिक्वेस्ट डाली भी नहीं थी कि प्लीज मुझे अपने रंग में रंग दो आज। व्हाट डू मीन तेरे जसों के मुंह पे थूकू भी नहीं यार? इसका मतलब कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके मुंह पे ये थूक रहा है, और वो तो इसकी गुड बुक्स में है। उनके साथ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है स्पेट्स मिला करके। बहुत गुस्सा भाई लोगों में। हम लोग एटीएम की लाइन में लगे हुए हैं, लंबी लाइन लगी हुई, हर को अपनी टर्न का वेट कर रहा है एटीएम के बाहर। एक अंकल सीधा अंदर घुसने आते, अंकल किधर? मैं अंदर पैसे निकालने जा रहा हूँ। अच्छा तो हम क्या तेरे वोट डालने के लिए खड़े हुए सर यहाँ पे? के अंदर जाएंगे और प्रेस 1 फॉर बीजेपी, प्रेस 2 फॉर बीजेपी, प्रेस 3 फॉर बीजेपी। धीरे, मेरा शो भी कैंसिल करवाओगे आप लोग? तो अंकल ने मेरे को धमकी दी, साले तूने हाथ किसको लगाया? अभी एक फोन करूंगा यहाँ पर ट्रक भर के लोग आ जाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले तो ये कौन लोग है जो रोज सुबह नहा धो के ट्रक में खड़े हो रहे हैं? ये कभी भी कॉल आ सकता है, पहुंचना है। ये लोग कितने जॉबलेस है यार, ये लोग TCS को नहीं ज्वाइन कर रहे? यहाँ भी बेंच पे बैठे हैं, वहां भी बेंच पे बैठना है, और दोनों बेंच पे लिखा भी टाटा है। आज ये TCS आए कोई भाई लोग? अब सब अमीर लोग आए हैं। एक्चुअली मैं उनको पहले ही फिल्टर आउट कर देता, 1000 रुपए की टिकट रख के। अपन को गरीबी चाहिए ही नहीं। हाँ TCS का फुल फॉर्म ही है, तुझसे कम सैलरी। यार अभी मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, एक बंदी मिल गई यार, मैं उसे पकड़ लिया, मुझे यार पीछे ही पड़ गई एकदम से, मेरे को देख के बोल रही, आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर। मैं कूल प्ले कर रहा हूँ, हाँ टेल मी वेयर आई हैव सीन यू, टेल मी वेयर आई हैव सीन यू। मैंने भी ईगो में बोल दिया, क्राइम पेट्रोल एपिसोड 6। उसमें मैं एक वीक मेमोरी वाली बंदी का मर्डर कर देता हूँ। मैंने देखा एयरपोर्ट पे हमें तमीज नहीं यार कि किससे क्या पूछना होता है, क्या डिपार्टमेंट करके चीज होती है, राइट? आजकल आपने देखा एयरपोर्ट के बारे में, एक्चुअली में CISF जवान खड़े रहते हैं, वो मिलिट्री क्लोथिंग में गनमैन लेके खड़ा हुआ है, टेररिस्ट आएगा उड़ाऊंगा। लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल के, भाई साहब ये ओला का पिकअप पॉइंट किधर है? अरे किधर है बताओ ना, किधर है? राम को गोली मार दूंगा और बोल दूंगा JNU स्टूडेंट था, समझा? ओला का पिकअप पॉइंट किधर है? ये सब काम है मेरे, उधर राइट लेके P3। थैंक यू सर, राइट लेके P3। थैंक यू सर। एक मिनट, आपके स्नाइपर वाली दूरबीन में देखो ना, मेरी कैब आ गई क्या? मैम को कोई आइडिया नहीं है क्या जो होता है। अरे हटो यार, ये फेकनेस नहीं चलेगी मैम, ये बेडरूम नहीं है आपका, प्लीज यहाँ नहीं चलेगा ये। इजी वाला करता हूँ आपके लिए। साउथ के डायरेक्टर राजा मौली ने खरीदी नई गाड़ी WagonRRR। देखिए मैंने एक चीज नोटिस की है ना, विमेन में फीलिंग्स बहुत है। जैसे एक बार मैंने वाइफ के साथ प्लान बनाया संडे को, मैंने मूवी का प्लान बना दिया दोनों का, वाइफ बोला नहीं मैंने ऑलरेडी प्लान बना दिया है। बोला अच्छा अच्छा क्या प्लान है? हम घर पे ही रहेंगे और 3 घंटे बैठ के आज तेरी फीलिंग्स डिस्कस करेंगे।
ये लोग आपको रोकते हैं ऐसे कि तेरी फीलिंग्स डिस्कस करेंगे, सवाल इनके पूरे अपने बारे में होते हैं। पीपल व्हाई डू यू लव मी, क्या तुम मेरे बिना जी पाओगे। कभी कभी ये लोग कैरिड अवे हो जाते हैं, व्हाट आर द टॉप 10 थिंग्स यू लाइक अबाउट मी, टॉप 10। यहां मैं दो नहीं सोच पा रहा हूं, इनका फलिश टॉप 10 चल रहा है, डिनाइल में ही रहते हैं ये लोग। हमारी फीलिंग्स डिस्कस करें तो हमारे फीलिंग्स वाले सवाल तो पूछो। पीपल व्हाट आर द टॉप 10 थिंग्स यू डोंट लाइक अबाउट मी, आप लोग पूछो तो सही, हम 20 बताने को तैयार हैं। टॉप 10 आप चुन लेना बस। मैंने एक चीज नोटिस किया, मर्दों की सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं, हम लोग ब्रह्म में जी रहे हैं। आप शॉपिंग करने चले जाओ, वाइफ ने ड्रेस सेलेक्ट की, वो ट्रायल रूम में चली गई। हाँ, मैं बाहर खड़ा, बाकी सारी वेमें मुझे इतने गुस्से में देख रही बाहर, ये कौन परवट हमारे इलाके में घूम रहा है, इसको पता नहीं क्या नो मैन्स लैंड है। अभी मैंने इसका सोल्यूशन निकाला है, जैसे ही वाइफ अंदर ट्रायल रूम में जाते ना, बार बस वाइफ का हैंड बैग लेकर खड़ा होता हूँ, हैंड बैग, अब सिर्फ उस हैंड बैग से। अब बाकी वुमेन मुझे इतनी रिस्पेक्ट की नजरों से देखती है, कह रहे नहीं नहीं अपने ओनर के साथ है, लावारिस नहीं है ये, इसकी ट्रेनिंग हो चुकी है, ये अब सेफ है, ही कांट बाइट नाउ, ही कैन ओनली लिक। मैम आप सारे नॉटी जोक्स पकड़ रहे हो, माँ सब जानती है, माँ कुछ बोलती नहीं। माँ तो सब कुछ देख के भी अनदेखा कर देती है, माँ तो इंडियन जर्नलिस्ट की तरह होती है। वही आप देख रहे हो विमेन के हैंडबैग का पावर, देख रहे हो आप जस्ट बाय एसोसिएशन एकदम से परवर से जेंटलमैन बन गया उधर, मेरी पूरी इमेज क्लीन हो गई। अगर आप संजय दत्त हो तो हैंडबैग राजकुमार हिरानी है। अ वुमन्स हैंडबैग इज अ मैन्स कैरेक्टर सर्टिफिकेट। रियल किस्सा, एक बार मैं नाइट क्लब के बाहर अकेला खड़ा हूँ वाइफ का हैंडबैग लेके, वो बाउंसर से हैंडबैग देके अज़ूमी कर लिया के बंदी के साथ, सीधा कपल एंट्री दे दी मुझे, सर गो 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 गो। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि हैंडबैग जो है वो हम आदमियों का मंगल सूत्र है। जाओ यार, अरे ये हार्मलेस लग रहा है यार, अबे ये तोड़ फोड़ के नाम पे सिर्फ एफडी तोड़ सकता है, सर गो। भाई अब गिटार वालों का गेम एक्सपोज हो चुका है। भाई मैं एक बार ट्रायल रूम के बाहर खड़ा हूँ हैंडबैग लेके, एक बंदा बॉब मार्ली की टी शर्ट पहन के गिटार लेके खड़ा हुआ है, फौरन मैम आपकी कसम खा के बोल रहा हूँ, सारी बंदियां मेक्रो देख के स्माइल कर रही थी यार, क्योंकि हैंडबैग में दिखता है कमिटमेंट और लॉयल्टी, गिटार में दिखता है फ्रीलांसर, धोखा फरेब। वो गिटार वाला बिलीव ही नहीं कर पाया यार, उसका छोड़ो जो टी शर्ट पे बॉब मार ली था उसका मुंह खुला का खुला रह गया उधर यार, कि हमें कोई घास क्यों नहीं डाल रहा आज, हमने तो पूरा करियर ही घास फूक के बनाया है। बॉब मार्ली बताना सबको, नासा साइंटिस्ट बहुत बड़े, सच में, अरे तीन पफ में आउटर स्पेस भेज देते हैं। मेरे पास एक बार फटावा नोट आ गया, मैंने देखा इंडिया में जब भी हमारे पास फटावा नोट आता है इट्स अ मूवमेंट ऑफ इनर डिस्कवरी, आपको पता चलता है अंदर से कितने घटिया इंसान हो, क्योंकि कोई भी फटावा नोट देख के ये नहीं सोचता इसको बैंक में जाके चेंज कराऊंगा, अरे को ये सोचता अब इस लाश को ठिकाने का लगाना है। पेट्रोल पंप नहीं नहीं, माँ तो आजकल मोदी जी होर्डिंग से देख रहे हैं डायरेक्ट, नहीं मित्रों करेंसी के साथ खिलवाड़ सिर्फ मैं करूंगा, मैं। हाँ फिर मेरे पास एक बार 500 का नकली नोट आ गया यार, काफी नकली था यार वो, और उसमें गांधी जी सिगरेट पी रहे थे यार, पीते होंगे, नेहरू जी के दोस्त थे उन्होंने बिगाड़ा होगा यार। हाँ नेहरू जी तो चेंज स्मोकर थे, अरे वो स्मेल छुपाने के लिए तो यहाँ पे गुलाब लेके घूमते थे, वो उनके टाइम का सेंटर फ्रेश था, अभी उनके लोगों के पास ना ही कुछ फ्रेश और ना ही सेंटर। देखो कुछ जोक्स में आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा, हर चीज स्पून फीड नहीं करने वाला हूं मैं, कोई बीकॉम वाला बैठा तो अभी बोल रहा हूं निकल जाओ।
आगे और टफ होने वाला है। ये जेई मेंस था भी, जेई एडवांस और लूंगा आप लोग का। और आप तो शक्ल से स्टेट बोर्ड वाले लग रहे हो मेरे को। गंध नहीं चाहिए शो में। तो मैं सोच रहा था यार कि मैं रिसर्च कर रहा था कि फाइनली ये सिस्टम में नकली नोट जाते हैं यार। तो मुझे ये पता चला 80% और नकली नोट लोग मंदिर की दान पेटी में चढ़ा देते हैं यार। हाँ बहुत हरामी दुनिया है मैम, आपको कुछ आइडिया भी नहीं है, आप इंस्टाग्राम से बाहर तो निकलो। आप तो पापा की परी बन के बैठे हो, ये जो मम्मी के टपोरी घूम रहे हैं आपको आइडिया भी नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ यार दैट ऑकवर्ड मोमेंट जब भगवान को पता चला नोट नकली, राइट, तब तक भगवान उसकी मन्नत ऑडी पूरी कर चुके हैं, इसको एग्जाम में पास करवा चुके हैं। फिर भगवान का क्या दिमाग खराब होता, नहीं सर तुम बाप से पंगे ले रहे हो, मेरे को नकली नोट रुक रुक भी। फिर हमेशा अगले दिन अखबार में न्यूज आती है, इस बार का एंट्रेंस एग्जाम लीक हुए थे जुलाई में, फिर से री एग्जाम। आओ सालो हा? मैं भी देखो ये मोनोपोली वाला नोट कौन चढ़ा के गया। साला कल कोई टीसीएस वाला सुरक्षा कूपन डाल के गया इधर। अच्छा अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, एक बार जोरदार ताली हो जाए फोरम के लिए, अनुराग भाई के लिए, मस्ती चल रही, ठीक है। FIR नहीं चाहिए, टीसीएस वाले के लिए भी हो जाए बस। इनका यहां पे भी इन हैंड कम होना चाहिए। चलो शो खत्म हो गया, कपल ऑफ अनाउंसमेंट। अगर आपको शो अच्छा लगा तो डू रेकमेंड इट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। आपको हाँ आपको अगले शो में ट्रक भर के लोग भेजने। हाँ अगर बाय चांस किसी को फोटो चाहिए, हम लोग फोटोज लेंगे बाहर, मैं सबको फोटो दूंगा, ठीक है। नहीं नहीं मैं सबको फोटो दूंगा, मेरे कोई नहीं, एक बार मेरा सीजन 3 हिट हो गया, बड़ा आदमी बन गया, फिर भूल जाना आप लोग प्लीज। फिर मैं आप जैसों के मुंह पे थूकूंगा भी नहीं, मजाक कर रहा हूं, थूकूंगा टोपी वाले भाई साहब। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, तो मैं अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया में शोज कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, टिकट्स ऑनलाइन अवेलेबल, आप खरीद सकते हो। और जून में आ रहा हूँ अमेरिका में, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, 9 सिटी टूर है, सारे टिकट्स ऑनलाइन है theticketworld.com, तो खरीदे और आइए। और इंडिया के शोज तो लाइव है ही है, प्लस जो हमारी वेब सीरीज है ह्यूमरसली योर्स, वो सीजन 3 रिलीज हो चुका है Zee5 ऐप पे, आप जाके देख सकते हो वहां पे। और मैं सारी टिकट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। सो सी यू एट वन ऑफ द शोज।